नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी दुर्घटना स्थल पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जिलाधिकारी ने मोहनगंज रोड पर हुए एक्सीडेंट स्थल पर पहुंचकर घायलों को भेजा अस्पताल। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने प्रतापगढ़ मोहनगंज रोड पर हुए एक्सीडेंट स्थल पर पहुंचकर घायलों के इलाज हेतु जिला मेडिकल कॉलेज भेजा। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में मृतक के परिजनों को 2 लाख एवं गंभीर घायलों को 50,000 दिए जाएंगे। उन्होंने दुर्घटना में मृतक लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रतापगढ़ जिला ब्योमरो अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सर, ये घटना कैसे हुई, क्या है घटनाक्रम? जो प्रेमा फिशाई रिपोर्ट है, ये टैंकर जो है गैस यहाँ अनलोड करके वापस रायबरेली जा रहा था और ये कुछ इसके टेक्निकल इसके स्टीयरिंग में गड़बड़ी आई है, ये अचानक यू टर्न लेके उलट गया है एक टेम्पो के ऊपर। टेम्पो में जो लोग बैठे थे वो हताहत हुए हैं और अभी तक फिलहाल जो सूचना उसके हिसाब से 9 की डेथ हो गई है और 5 लोग गंभीर घायल हैं जिनको हम लोग ने हॉस्पिटल में प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर कर दिया है। टेम्पो में कितनी सवारी बैठी थी? अभी 14 की है, अभी 14 की ही होगी। टेम्पो कहाँ की थी? ये तो हटेगा, ये मलबा तो पता चलेगा। अभी फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि मृतक को 2 लाख और घायल को 50,000 दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इसमें किसान होंगे या मजदूर होंगे तो जो दुर्घटना बीमा में कवर्ड होते हैं वो धनराशि तक से दी जाएगी। सर, इसमें टैंकर में गैस है? अभी एक टेक्निकल टीम बुलाई गई है, वो इसको देखेगी, अभी थोड़ी देर में आ जा रही है किसकी क्या है, इसको अगर होगा तो डिफ्यूज किया जाएगा। अभी और क्या स्थिति है? अभी जो घटना है उसमें एक LPG गैस का जो टैंकर है वो किसी टेक्निकली गड़बड़ी से वो पलट गया संजोग से, वहाँ जो टेम्पो था उसके ऊपर पलट गया। तो इस तरह टैंकर में भी ट्रक में भी कुछ लोग जो सवार थे और कुछ जो है टेम्पो वाले, कुल इस तरह मिला करके लगभग 15-16 लोग घायल हुए जिनको हमारी टीम पहुंची रेवेन्यू की और मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस ऑफिसर्स उन्होंने ला करके यहाँ किया। यहाँ पता चला कि इसमें से 9 लोग एक्सपायर हो चुके हैं और 8 लोग जो है वो घायल हो गए, जिसमें 4 का तो अभी पता चल गया है, 4 धीरे धीरे पता चलेगा जैसे लोग आएंगे। जो है बॉडी हम लोगों ने वहाँ मोर्चरी भिजवा दी है, वहाँ पर पंचनामा की व्यवस्था कर रहे हैं। जाँच के लिए हमने बता दिया कि टेक्निकल टीम भी उनकी गैस वालों की बुलाई गई है कि ऐसा तो नहीं कि टैंकर में भी कुछ गैस बचा हो और रिसाव कर जाए, इसके लिए टेक्निकल टीम आ रही है और 10-15 मिनट में आ जाएगी, अगर कुछ होगा तो उसको डिफ्यूज करेंगे। आसपास के इलाके को अलर्ट रखा गया है? आसपास थोड़ा जब तक टीम आ नहीं जाती है और उसको डिफ्यूज नहीं कर दिया जाता है तब तक वहाँ हमने आवागमन प्रतिबंधित कर दिया, उसका साइड रोड से निकालने की व्यवस्था कर दी है और हमारी भारी फोर्स वहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मृतक के लिए 2 लाख और घायल के लिए 50,000 की घोषणा की गई है। इसके अलावा विभिन्न हमारे यहाँ बीमा दुर्घटना योजनाएं होती हैं, जैसे मृतक अगर किसान होगा तो उसको किसान बीमा दुर्घटना के तहत 5 लाख, अगर मजदूर होगा रजिस्टर्ड तो मजदूर श्रम विभाग से 5 लाख, इस तरह के वो जाँच के बाद उसको अलग से दिए जाएंगे। अब जो हताहत है उसमें कौन टेम्पो का है, कौन वहाँ खड़ा था, कौन ट्रक का है, ये जाँच का विषय है। सर, जो टैंकर का ड्राइवर था, खलासी था, वो कहाँ है? अब ये इतना मुझे इतना डिटेल नहीं पता है, पुलिस अधिकारी हैं वो विवेचना में नहीं, वो भाग गया या मतलब वो भी पुलिस ऑफिसर्स बताएंगे आपको।